पौड़ी जिले में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन से एक और गढ़वाल के बड़े क्षेत्र को पर्यटन और माल ढोने के लिए बड़ी सौगात मिलने की संभावना है। तो वहीं दूसरी ओर इस रेलवे लाइन के निर्माण से स्थानीय ग्रामीणों को तरह तरह की समस्याएं भी सामने आ रही हैं। रामपुर ग्राम पंचायत है विकासखंड कोट की, तो वहाँ पर मोतिनिया लग्या कांडी नाम की एक ग्राम है, तो वहाँ पर अभी शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है कि वहाँ पर पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है और वहाँ पर कुछ कार्य भी चल रहा है रेलवे के माध्यम से, एलएनटी के माध्यम से। अभी वहाँ के जो अधिकारीगण हैं उनसे वार्ता किया है, पेयजल संस्थान के अधिकारियों को जो अधिशासी अधिकारी उनको निर्देश दिया है कि वहाँ पर तत्काल जाकर वहाँ पर निरीक्षण करेंगे और पेयजल योजना को सुचारू करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है उससे मुझे अवगत कराएंगे। जो अन्य जानकारी मुझे मिला है कि अभी उस ग्राम पंचायत को घुड़दौड़ी पेयजल योजना के साथ भी जोड़ा गया है ताकि वो पंपिंग स्कीम है और उसका अभी DPR भी सैंक्शन हो गया है, तो उसका अग्रिम कार्रवाई अभी गतिमान है। तो मैं आशा करता हूँ कि जैसी योजना पूर्ण हो जाएगी जनता की जो पानी की समस्या उस पर लाभ भी मिलेगा। और हाल फिलहाल के लिए मैं वहाँ पर एक्शन जल संस्थान को और LNT को निर्देश दे रहा हूँ कि वो पानी की समस्या का समाधान करने के लिए या तो टैंकर की व्यवस्था करेंगे अथवा जो भी वहाँ पर जल स्रोत है उनका पुनर्जीवन करने के लिए भी कार्रवाई करेंगे। पानी था, वो पानी हमारा बंद हो गया, 2 इंच पानी परसों तक एक हफ्ते से पहले आ रहा था, उसके बाद बिल्कुल बंद हो गया। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? एनटी वाली कंपनी आई, हमारे पानी स्रोतों का पानी भी चला गया, हेडपंपों का पानी भी चला गया। अब हमारी बहू बेटी कहाँ जाएंगी, हमारी गाय बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? प्रशासन से हमने किसी अधिकारी को बुला रखा है और उसके दौरान भी हमारा काम पानी नहीं बनता है तो हम काम एनटी का काम रुकवा देंगे। और हमारे यहाँ पानी चाहिए नहीं चाहिए, हम सड़क में बैठ जाएंगे। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने हमारे जो ये समस्या का समाधान करने के लिए आवाज ऊपर एक जिंदगी है उसके लिए धन्यवाद पास है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, ये प्राकृतिक स्रोत है हमारे, इसमें कम से 4-5 गाँव का कहीं पेयजल स्रोत है। यात्रा सीजन पर भी यहाँ पर यात्री वहाँ पानी पीते हैं। आज स्थिति है रेलवे विभाग द्वारा यहाँ पे जो सुरंग खोद खोद जा रही है, ब्लास्टिंग खोई हुई जा रही है, उसके कारण पानी गायब हो चुका है। अब ये लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए हमें मजबूर माता सब्जी ने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, उनको धन्यवाद देता हूँ मैं और आपको धन्यवाद देता हूँ। यदि अगर पानी 2-4 दिन या नल ये व्यवस्था नहीं करते हैं तो मजदूर होकर हमें जो है यहाँ पे धरना देना पड़ेगा। धन्यवाद पत्रकार बंधु कि आपने हमारी समस्या को अपने नज़र रखा और आपने हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य काम किया है। बंधुवर, ये पुश्तैनी पानी, आज मेरी 45 साल की उम्र है और ये लगातार यहाँ पर 2 इंच से ऊपर पानी आता था, लेकिन अभी एक हफ्ते से यहाँ पर पानी बंद हो चुका है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर रेलवे विभाग अपनी सुरंग और टनल बना रहा है जिसके कारण ये पानी एकदम लुप्त हो चुका है। मंत्रियों की विभाग बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में बड़ा बयान दिया है और कहा कि जल मंत्रियों का विभागों का बंटवारा किया जाएगा, सभी प्रक्रियाएं चल रही हैं। सारी तैयारियां पूरी हैं और आज लेखानुदान जो बना है वो आज विधानसभा में प्रस्तुत होना है। अभी माननीय राज्यपाल महोदय का अभी अभिभाषण होगा, उसके बाद शाम को लेखानुदान प्रस्तुत होगा। सर, पहली बार नेता विपक्ष नहीं होंगे, आपको नहीं लगता है कि आप सतह पर दिखने लगी है विपक्ष की चीजें? अभी चलाएंगे हम लोग, सब लोगों को मिला जुला के पक्ष विपक्ष सब मिलकर चलाएंगे। गोरखपुर की पूरी पुलिस कश्मीर फाइल्स दिखेगी, आज से फिल्म देखने की पहल शुरू हुई है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ किस तरह का जुल्म हुआ, फिल्म से कितना बदलेगा पुलिस वालों का माइंड, इसको लेकर ये पहल शुरू की गई है। कश्मीर फाइल एक ऐसी फिल्म है जो कि हमारे हिसाब से हर व्यक्ति को, खासकर हमारे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को ये पिक्चर देखनी चाहिए। इसमें वो दर्दनाक सीने दिखाई गई है, जो सच्चाई दिखाई गई है, जो 1990 में कश्मीर में घटना घटित हुई और वहाँ तक 4 दिन तक जो सरकार विहीन वो प्रदेश था उसमें क्या क्या घटनाएं घटी, इस फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है और कश्मीरी पंडितों पर किस तरह अत्याचार हुआ है वो इस फिल्म में दर्शाया गया। अग्निहोत्री जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि हमारे समाज में ऐसी फिल्में आई हैं और इसी समाज की जो दायित्व निभाते हुए आज हम लोगों ने सारे पुलिस कर्मियों को फ्री में ये शो कराया है, उपलब्ध कराया और पिक्चर दिखा रहे हैं और कोशिश है कि 1-2 दिन में सारे पूरे प्रदेश से मंडल के सभी पुलिस फोर्स को पिक्चर दिखाएंगे। तो ऐसी पिक्चरें बननी चाहिए और बनती रहें तो अच्छा है, समाज के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी मूवी रही, हमें काफ़ी समय बहुत अच्छी मूवी देखने मिली और जो दिखा मूवी हमने देखा
भविष्य में कभी ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हम माननीय अपने अधिकारी को जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें ऐसी मूवी दिखाई गई। जी फिल्म एंटरटेनमेंट का बहुत बढ़िया थी, सभी को देखना चाहिए। जैसे बहुत लोगों का कहना है कि ये दिल को छू लेने वाली कहानी है, इसमें क्या चीज़ ऐसा लगा जो दिल को छू रहा? हर एक पहले दिल छू लेने वाला था, बाकी लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे इस चीज़ को। भाई मूवी बहुत बढ़िया है, सभी देखनी चाहिए। अगर इसको मूवी ना कह के सच्ची घटना कहा जाए तो ज़्यादा ये मतलब जी हम तो एंटरटेनमेंट पर्पस कहेंगे, मूवी बनी है तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनती है। हमीरपुर में मोटरसाइकिल चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। मोटरसाइकिल मालिक की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। राठ कोतवाली क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। जौनपुर में एसिड अटैक से घायल महिला की वाराणसी में इलाज के दौरान 27 मार्च को मौत हो गई। 28 मार्च को पोस्टमार्टम के बाद देर शाम महिला का शव उसके घर लाया गया, जिसके बाद परिजन पिछले लगभग 20 घंटे से महिला का शव घर पर ही रखकर अंतिम संस्कार करने से उस वक्त इनकार करते रहे जब तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं आता। जो भी मांगे बता रहे थे, जहाँ भी मान लीजिए योजना के तहत रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत इनको जो भी मिलना था उसके लिए प्रपोजल भेज दिया गया है, उसकी कॉपी एक इनको प्रोवाइड कर दी गई है। बाकी पट्टे के लिए बताया गया, क्योंकि परिवार बहुत ही गरीब है इस वजह से उसमें पात्रता की श्रेणी में आता है, इसलिए पट्टे की कार्यवाही के लिए बता दिया गया है, वो हो जाएगा। और जो भी इनके बच्चे हैं बाल सेवा योजना में वो कर देंगे। रायबरेली में सीवर टैंक साफ कर रहे सफाई कर्मचारी टैंक में गिर गए। 3 कर्मचारी सीवर टैंक में गिरे, घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक कर्मचारियों का कोई भी सुराग नहीं लगा है, ना ही उन्हें सीवर टैंक से बाहर निकाला जा सका है। रुड़की के खाद्य आपूर्ति विभाग कार्यालय के जहां पर लगातार लोग राशन न मिलने की शिकायत लेकर अक्सर देखे जा सकते हैं, पर विभागीय अधिकारी लोगों को आश्वासन देकर टाल देते हैं। वहीं आज मीडिया की टीम खाद्य विभाग कार्यालय पहुंची, जहां पर एक बुजुर्ग महिला ने मीडिया के कैमरे के सामने अपना दुखड़ा सुनाया। पाँच किलो राशन डेरबत और चिन्नियारी 5 किलो मिल रही, अगर तीन कहीं चली जा। कौन सा राशन कार्ड है आपका? गुलाबी जी। 5 किलो राशन देते हैं उसको? हाँ 5 किलो ही हो रहा, गुलाबी देख लो। हासिल है। आप कहाँ के निवासी हैं? जबरड़ा। जबरड़ा, आप राशन डीलर के पुत्र हैं? नहीं जी। तो आप यहाँ, आपको किसने रखा है? सर मेरे को जो है हमारे अध्यक्ष यूनियन कमेटी के अध्यक्ष है, उन्होंने रख रखा है। सर यहाँ पर जो हमारे ब्लॉक राशन के है ना, उनका यहाँ पर मतलब जो काम रुके ना, इस वजह से मेरे को यहाँ बैठा है। मैं कोचिंग जाता हूँ, लेकिन 2-3 घंटे यहाँ बैठ के फिर घर चले जाता हूँ। मैं मेरी कोई जानकारी नहीं, ना मेरे मैंने कोई लड़का रखा हुआ है, ठीक है। हमारे तो 2 बाबू रखे हुए हैं, एक भुवंदर है और रुड़की में पोस्टेड हूँ, उसमें मंजू काम कर रही है। सर आप तो अधिकारी हैं, जिम्मेदारी अधिकारी, तो नहीं आप नहीं, पता नहीं, नहीं, नहीं मैं रुड़की ब्लॉक का ही जिम्मेदार हूँ, और बाकी जो है नारसन ब्लॉक के दूसरे सर। आप जिस कार्यालय में बैठे हो यही नियुक्त है सर लड़का, मेरे नाम है जो बाहर बैठा है, और वो जो है यहाँ ऑनलाइन कर रहा, तो ऐसा कोई प्रावधान है इस तरह का कोई? इस बारे में वो दिनेश शर्मा ही आपको ज्यादा उचित बता पाएंगे, ठीक है। क्षेत्र का अधिकारी है दिनेश शर्मा, जिन्होंने रखा है किसी को? सर आपको भी जानकारी नहीं चाहिए? नहीं मैंने नहीं रखा हुआ किसी को, मेरी जानकारी में मैं ना बातचीत को जानता हूँ, ना मेरे एरिया में काम कर रहा कोई लड़का मेरे बाहर ही कर रहा है यही। इसके बारे में जिन्होंने रखा उनसे आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, या जो हमारे क्षेत्र का अध्ययन करिए ज़्यादा बता। तो क्या सर ऐसे कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरीके से इनको रखा गया है आपको? ये तो जिसने रखा है वही आपको उचित बता पाएंगे, क्यों रखा है क्या है तो वही। आपका क्या मानना है? हाँ जी आपका क्या मानना है? मेरा क्या मानना है कि अगर किसी ने कहा था कि किस बेस में रखा है तो वही बता पाएंगे ना। नहीं राशन डीलर का पुत्र क्या इस तरीके से विभाग में बैठ के ऑनलाइन कर सकता है? नहीं नहीं राशन डीलर का पुत्र ऐसा तो कर नहीं सकता, ठीक है। कोई भी प्राइवेट आदमी को हेल्प के लिए अगर आप ले रहे हो दैट इज एन अनदर इशू, बट यू आर कीपिंग इन अ पोजिशन जहाँ वो कई लोगों को हटा सके और लोग मतलब जो जरूरतमंद है उनको हटा के और अपने जान पहचान वाले लोगों को ऐड करे, तो ऐसी पोजीशन में तो आप प्राइवेट आदमी की हेल्प नहीं ले सकते, ना ही ऐसा किसी को अलाउड भी होना चाहिए। तो ये एक जांच का विषय है, इसमें जांच करके अगर ऐसा पाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। पिरान कलिया नगर पंचायत में पिछले कई महीनों से अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए एक बड़ी बिल्डिंग का निर्माण तेजी के साथ किया जा रहा है। बिल्डिंग का नक्शे की फाइल नगर पंचायत पिरान कलियर में डालने के बाद पास कराने का इंतजार भी नहीं किया गया और तेजी से निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है। अभी इसका संज्ञान में जो है आप ही के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है कि ये रुड़की रोड के पास में पंजाब नेशनल बैंक से पहले एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, और तो
तो अभी अभिलेखों में मैंने चेक करवाया है अपने स्टाफ से, तो बता रहे हैं कि उसका आवेदन आया हुआ है और आवेदन आने के बाद हम उसे तहसील में भेजते हैं कि इसका जो भूमि का चिन्हीकरण या इसका वेरिफिकेशन करने के बाद कार्रवाई करने के लिए हम भेजते हैं, तो वो अभी नहीं हुआ है और कोई एनओसी जारी नहीं हुई है। इंजीनियरिंग सेक्शन हमारा है जो एनओसी ये सब देखता है। इंजीनियर साहब से भी बात करने के बाद इस प्रकरण को मैं दिखवाता हूँ, और कोई अगर बिना एनओसी के अपने स्थानीय निकाय में कार्य कर रहा है या निर्माण कार्य कर रहा है तो उस पर जो भी हमारे एक्ट के अनुसार कार्रवाई है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंजीनियरिंग सेक्शन को अभी अपने अपर सहायक अभियंता उन्हें तत्काल अवगत करा देता हूँ कि इस पर जो भी हमारे निर्माण के नियम कायदे लागू होते हैं शहर में स्थानीय निकाय में उसके अनुसार यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए। देखिए ये चीज़ें जो आपके माध्यम से संज्ञान में लाई जा रही है, वीरान के घेर में जो कुछ ऐसे गेस्ट हाउस का निर्माण हो रहा है जो या तो जिनकी परमिशन या अवैध तरीके से उनका निर्माण किया जा रहा है, तो उसकी जाँच क्षेत्रीय हमारी जो रेलवे टीम है उसके माध्यम से करवा करके इस तरीके से स्पेसिफिक आप वाइट आउट किसी चीज़ को कर रहे हैं, अगर वो जानकारी आपके पास है तो स्पेशल हमें दे दीजिएगा ताकि तत्काल उस पर संज्ञान लेकर के बेहतर कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारी को विकसित कर पाए। सर वही कोई स्पेसिफिक आपके पास किसी जगह की जानकारी है तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये वाला जो मैटर ये आपके द्वारा ही मेरे संज्ञान में लाया जा रहा है। सर वही बात की जाए, सर पिरान कलियर में तमाम अवैध कॉलोनियाँ भी काटी जा रही हैं, जैसे बेड़पुर चौक से पहले ये कॉलोनी काटी गई है सर, वहाँ पर भी हालांकि मिट्टी का भराव उसमें भी किया जा रहा है लेकिन अवैध कॉलोनी है, तो क्या इनके खिलाफ भी सर इस तरीके की कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए जो मिट्टी का भराव है उसके लिए अगर विदाउट परमिशन उनके द्वारा भराव किया जा रहा है तो उसमें तो चालानी रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है इलीगल माइनिंग के एवज, और उसमें कुछ जगह हमने जा कर के नापजोक भी की है जिसकी रिपोर्ट हम प्रेषित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद एक बार फिर माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। प्रयागराज में पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद पर बड़ी कार्रवाई की गई। औरैया के दिव्यापुर थाने में पुलिसकर्मियों पर एक महिला के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा। महिला के साथ अभद्रता का आरोप थानेदार विमलेश पांडे पर है जिन्हें अब निलंबित कर दिया गया। सोशल मीडिया पे थाना दिव्यापुर से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि थाने पे तैनात सब इंस्पेक्टर विशंभर पांडे द्वारा थाने पर आई एक पीड़िता के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और गाली गलौज की जा रही है। इस वीडियो के तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच सीओसीटी को दी गई थी जिनकी जाँच रिपोर्ट के आधार पर सब इंस्पेक्टर विशंभर पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर दी गई है। साथ में उस पीड़िता महिला की सुनवाई हेतु सीओसीटी को निर्देशित किया गया है जो उस महिला का पक्ष सुन करके गुण दोष के आधार पर उसकी कार्रवाई करेगी। परेल में कथित रूप से लव जिहाद से जुड़ा मामला सामने आया है जिसमें आरोपी युवक पर नाम धर्म छिपाकर दूसरे समुदाय की युवती से प्रेम प्रसंग में फंसाने का आरोप है। हरिपुर में एक व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया जाने तथा धर्म प्रवर्तन का दबाव बनाए जाने के संदर्भ में अभियोग 376 IPC पॉस्को एक्ट तथा धर्म प्रवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया था, जिसके अभियुक्त को आसिफ को आज थाना फरीदपुर के द्वारा गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है तथा आवश्यक शेष कार्रवाई संपादित कराई जा रही है। लड़के को बहला फुसला के ले गया था, आकाश नाम बताया था उसने और लिखला था वह मुस्लिम आसिफ लिखला था, उसको तो फिलहाल जो अपराध उसने किया है उसको तो सजा होना चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए। मेरी यही खुशारत है कि जो योगी तीर पहुंच जाना चाहिए मेरी। किस तरह से वो आपकी बेटी से मिला? भेला फुसला के ले गया था, हम नहीं जानते, हम तो गरीब हैं, बाहर चौका बर्तन करते हैं घरों में। बस्ती के हरैया तहसील के सुखरौली चौधरी गांव में खंडहर हो चुके मकान में खुदाई में भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात और सिक्के निकलने की खबर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। खुदाई में सोने चांदी के सिक्के और जेवरात निकलने की सूचना पर जिला प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर खुदाई के काम को रुकवा दिया। इसमें एक हमारे यहाँ पे गांव सुखरौली चौधरी है थाना पैकौलिया में तहसील हरैया में, वहाँ पे सूचना मिली है कि किसी एक परिवार के द्वारा अपने ही परिसर में जो पुराना खंडहर था वहाँ पे खुदाई करी जा रही थी, उसके क्रम में उनको कुछ
किसी प्रेशियस धातु के जो सिक्के हैं और कुछ पीसेस मिले हैं, तो उनको अभी नोटिस दे करके जो उनको वहाँ से प्राप्त हुआ है वो उनसे मंगाया जा रहा है। साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस संबंध में पत्र लिखा गया है और जो शेष खुदाई है वो उनके समक्ष करी जाएगी। भारतीय तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। भारतीय तेल कंपनियों के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक दिल्ली में आज पेट्रोल 80 पैसे तो डीजल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। बुलंदशहर में 3 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार कर मोबाइल लूट की कई घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है। जगह जगह शातिर लुटेरे नई नई योजना बनाकर चलते राहगीरों से मोबाइल लूटते थे। ये एक गिरोह था, ये लोग पहले इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी। इन्होंने अभी नया शौक शुरू किया था एक कार्यक्रम, जिसमें इनका ये काम था कि मोटरसाइकिल से जाते थे किसी एरिया में, उस एरिया में जो भी आदमी इनको अकेले मिल जाता था उससे जो भी मोबाइल या कोई अन्य चीज़ मिलती थी उसे छीन लेते थे लोग। इस तरह की वारदात इन्होंने 1 दिसंबर में किया था एक वकील के साथ यहाँ पर कोतवाली देहात क्षेत्र में एमएमआर माल के पास। उसका 392 का मुकदमा लिखा हुआ था और स्नेचिंग और की थी जिसमें 356 का मुकदमा लिखा हुआ था। ये मार्च महीने का है। ये यहाँ पर भी घटना करते थे और अलीगढ़ वगैरह में जाकर घटना करते थे। अलीगढ़ में भी इनका 392 मुकदमा लिखा हुआ है। इस प्रकार से कुल 4 मुकदमे भी कनेक्ट हुए हैं और 4 मुकदमे में इनको जेल भेजा जा रहा है। इनके पास इन्होंने जो स्वीकार किया है करीब 9 इन्होंने घटनाएँ स्वीकार की हैं। कुछ मोबाइल इनके पास से और मिले हुए हैं, उनको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। उनकी डिटेल्स वगैरह मंगाई गई है और उनका कनेक्ट होने के बाद उनका भी पता लग जाएगा, तो उसी हिसाब से उसमें भी विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। उत्तराखंड में बढ़ती महंगाई पर सियासत गरमा गई है। देहरादून में महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए हैं वैसे ही जो मोदी सरकार है, जो हमारी केंद्र सरकार है, उसने हर चीज पे दाम बढ़ा दिए। चाहे पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम 6वीं बार आज सुबह बढ़ा है, गैस सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़े हैं, सब्जियां महंगी हो गई, दाल महंगी हो गई, तो ये तो जनता के ऊपर एक लूट है जो सरकार इलेक्शन खत्म होकर तुरंत चालू कर दी है। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं, इसके खिलाफ आज एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप महिलाओं के बजट को खराब करोगे तो फिर हम लोग आपके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र में इंडियन पेट्रोल पंप के सेल्समैन से 25 लाख की लूट की गई। बताया जा रहा है कि 2 बाइक पर 3 बदमाश आए, बदमाशों ने दहाड़े फायरिंग करके लाखों रुपए की लूट की। ये एक डायल 100 पे 100 नंबर पे सूचना आई थी कि अरिहंत सर्विस सेंटर पेट्रोल पंप है, ये अपना कैश जो सेल का कैश था उसको बैंक में जमा करवाने के लिए जा रहे थे। तो उनसे 2 मोटरसाइकिल पे 3 बदमाशों ने ओवरटेक करके और उनसे 25 लाख रुपए जो बता रहे हैं उसका बैग छीन लिया। 3 बदमाश बता रहे हैं, 2 मोटरसाइकिल पे, एक अपाचे और एक स्प्लेंडर पे। इन्होंने बताया कि 3 बदमाश थे और उन्होंने ये पैसा छीन के वापस इसी यू टर्न लेके भागना बताया गया है। हाँ, पीड़ित ने बताया कि 3 राउंड फायर उन लोगों ने किए हैं बैग छुड़ाने के लिए। जब पीड़ित हैं जो बैग नहीं छोड़ रहे थे तो उनको छुड़ाने के लिए 3 राउंड फायर होना बताया गया। हरदोई के टंडियावा थाना क्षेत्र में ठेला लगाने वाले व्यापारी की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए पिता और बेटे समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। थाना टंडियावा में 100-150 रुपए की मांग को लेकर के ये मृतक राजेंद्र की हत्या कर दी गई थी उसके गाँव के ही 5 व्यक्तियों द्वारा। इसमें 2 लोगों के विरुद्ध नामजद व 3 अज्ञात मुकदमा कायम हुआ था। इस संबंध में गांव के पप्पू और रघु और 3 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त फरार है। पैसे किस लिए मांग रहे थे? पैसे और शराब पीने के लिए मांग रहे थे, 100-150 का ही अमाउंट था। कन्नौज में जिला अस्पताल में मरीजों की अनदेखी का मामला सामने आया है। आरोप है कि बेटा अपनी बुजुर्ग मां को गोद में उठाकर भटकता रहा लेकिन मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला। यहां तक कि अस्पताल कर्मियों की तरफ से देखकर भी मरीज को स्ट्रेचर न उपलब्ध कराने का आरोप लगा है। नैनीताल पहुंचे उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक काशीराम सिंह एरी और पूर्व विधायक नैनीताल डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल ने पत्रकारों से संयुक्त रूप से रूबरू होते हुए कहा कि क्रांति दल चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता उल्लंघन करने वालों के लिए ठोस कदम उठाने का प्रयास करेगा। मानवता आज भी जिंदा है, इसकी बानगी थराली के नारायण बगड़ में देखने को मिली, जहां पर एक बीमार और असहाय बुजुर्ग महिला की मदद करते हुए लोगों को देखा गया। यहां पे कुछ टाइम पहले कोई निराश्रित महिला जिसका नाम प्यारी देवी बता रही है,
सड़क किनारे पड़ी हुई थी, जिसके दोनों पांव किसी अज्ञात वाहन के द्वारा तोड़ दिए गए थे शायद से, ये मुझे भी कंफर्म नहीं है, पर उसके दोनों पांव टूटे हुए मुझे दिखा था रोड पर। मैं उन्हें उठा के पीएससी नारायणबगड़, सामने जो पीएससी नारायणबगड़ है यहाँ पर मैंने उनको शिफ्ट करवाया था, और उसके स्वस्थ होने के लिए मैंने काफ़ी परिश्रम भी किया, जिस तरीके की एप्लीकेशन मैंने लिख करके चौकी नारायणबगड़ प्रभारी जी को दी, और एक एप्लीकेशन मेरे द्वारा मान्य विधायक जी को दी गई, मान्य उसी एप्लीकेशन को मैंने आगे फॉरवर्ड करते हुए एसडीएम थ्राली जी थ्राली को भी दी, उप जिलाधिकारी महोदय जी को, और आज इसी लंबे प्रयास के द्वारा आज मैं उसी महिला को जिस दिन का नाम प्यारी देवी है उनको लेकर के आज बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में ले जा रहा हूँ, ताकि उनका अच्छे से दोनों पाँव का इलाज हो सके। विगत कुछ महीनों से यहाँ पर एक महिला घायल अवस्था में बाजार में पड़ी हुई थी, और जिससे स्थानीय लोगों की मदद से हॉस्पिटल में लाए थे, और महिला के दोनों पैरों में चोट लगने की वजह से महिला का इलाज यहाँ पर होना संभव नहीं है, और जिसको हम उच्च चिकित्सालय भेजना चाह रहे थे, लेकिन आज स्थानीय लोगों की मदद से और खासतौर पर हमारे स्वास्थ्य विभाग की मदद से और पुलिस प्रशासन की मदद से हम उसको आज श्रीनगर हमने उसको रेफर किया है, और काफ़ी दिनों से हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और स्थानीय लोग भी महिला के खाने पीने और रहने की व्यवस्था कर रहे थे, और सभी लोगों ने इसमें बहुत बहुत सहयोग दिया। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में हुई हिंसा के बाद से राज्य में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच जंग तेज छिड़ी हुई है। कल इस मामले को लेकर बंगाल विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ और दोनों पार्टी के विधायकों के बीच हाथापाई हुई।